अक्टूबर में जुड़ा था दरबार से, एक साल से कोशिश कर रहा था। तो सर्जरी हुई थी 2008 में घुटने की, लिगामेंट की, तो दोनों घुटने बेकार हो गए थे अक्टूबर से ही, और इसलिए वनडे का फैसला लेना पड़ा। क्षमता नहीं थी फिर भी माँ बाबा ने करवा दिया वनडे। नाम गुरुदेव, खुश हो बेटा। डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आया हूँ मैं, बिजनौर में जॉब करता हूँ प्राइवेट फैक्ट्री में। 5 लोग हैं गुरुदेव डीएनए में। ये सब बेटा सब कष्ट रोग सब नष्ट, अंधेपन से नष्ट। अंधेपन की स्मृतियां थी, हाइपरटेंशन की स्मृतियां थी, अपेंडिक्स में सड़न हो रहा था, पेट में दर्द और जलन होना, MND की स्मृति थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहे थे, बैठकर उठने में कमजोरी महसूस करना, लकवे की स्मृतियां थी, पैर की मांसपेशियों में कमजोरी आ गई थी, एसिडिटी होना, गॉल ब्लैडर में सिस्ट बन रहे थे, छाती में जकड़न होना, टेस्टिस में सूजन थी, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी रहना, यूरेटर में सूजन, हड्डियों में फ्रैक्चर कराने वाली स्मृतियां थी, सर्वाइकल पेन होना, किडनी में इन्फेक्शन, कैंसर की स्मृतियां थी, यूरिनरी ब्लैडर में, श्वास नली में, गले में, कोलोन में और रेक्टम में। हृदय का ऐसे हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, हार्ट के वॉल में सूजन थी, श्वास फूलती थी और हृदय के स्थान पर दर्द बना रहता था। सब खत्म हो गया। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव अक्टूबर में जुड़ा था दरबार से, एक साल से कोशिश कर रहा था। तो सर्जरी हुई थी 2008 में घुटने की, लिगामेंट की, तो दोनों घुटने बेकार हो गए थे अक्टूबर से ही, और इसलिए वनडे का फैसला लेना पड़ा। क्षमता नहीं थी फिर भी माँ बाबा ने करवा दिया वनडे। और अच्छा किया। अभी मुझे घबराहट होती है, जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ माइक पर आने पे पूरी घबराहट हो रही है, अभी भी घबराहट। हम जानते क्यों रहे, आके जिनकी स्मृति आ रही वापस नष्ट करके भेज दिया। प्रहार 5 बार ओम नमः शिवाय खोलिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, अब कोई घबराहट नहीं। जो आपकी लिगामेंट की सर्जरी कराई थी सक्सेस नहीं थी, कराने के बाद भी है ना जी। अब आप बैठी उठिए, देखिए आपको प्रतीत ही नहीं होगा कभी कोई सर्जरी हुई थी कोई लिगामेंट। बैठिए, खड़े हुई अब सिंपल बैठी उठिए, जैसे लोग दंड बैठक मारते हैं, खड़े हुई है, फिर बैठिए, खड़े हो, ये है तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड। और ये जो लेपर है ना, थोड़ा घुटनों में करना। अच्छा जी गुरुदेव। कम से कम 2 महीने कर लेना घुटनों पर, आधे घंटे रोज करना। अच्छा जी गुरुदेव। देखो सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटिस था, कूल्हे में सड़न हो रही थी, रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन हो रहा था, मसल्स गल रही थी, मोटर नर्व सूख रही थी, लकवे की स्मृति थी, हड्डियों में घाव बन रहे थे और घुटनों में पस भर रहा था। सर्जरी सक्सेस नहीं हुई थी। अब जाके अब तुम छू के भी नहीं बता सकते कि वहाँ कभी सर्जरी हुई थी। धन्यवाद गुरुदेव। खुश गुरुदेव। महावन कर लेना ध्यान से। एक बात और गुरुदेव, मैं करीब जब 5वीं क्लास में पढ़ता था तभी से ही मन में विकार आने लगे थे गुरुदेव। मैं जीवन में बहुत परेशान रहा हूँ, जो गंदे गंदे विचार आते हैं और साधना करता हूँ आते हैं नहीं, आते थे तब भी नहीं पीछा छोड़ते। तो ये विचार उसमें आपके पर्चे में लिखा भी था जी गुरुदेव। अब वो विचार नहीं है, देखो आंख बंद करके कोई विचार आ रहा गंदा कामुक वाला, अभी भागता है मन सर गुरुदेव, भाग रहा है मन अभी। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ अब कोई गंदा दृश्य देखने की कोशिश कर दिखता है, कोई कामुकता भरे विचार अब आ रहे हैं जी? अभी दिखता है। क्या दिख रहा है? जब गंदी चीजों के बारे में मन जाना सोचना। सोचो नहीं, देखने की बात हम कर रहे हैं, विजुलाइजेशन करिए आंख बंद करके उसको देख, जैसे आंख बंद करके भगवान की मूर्ति देखते, ऐसे जो गंदी वस्तु बता रहे हो सोचना नहीं देखना है। सोचने के लिए तो आप फुर्सत में ही दिन भर सोचते रहिए कुछ भी।
वो तो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यही नष्ट किया गया है। पहले दिखता था, दिन भर दिखता था, अब नहीं दिख रहा है क्योंकि स्मृति से नष्ट कर दिया गया है। जी गुरुदेव, अभी तो हम चर्चा कर रहे हैं इसलिए आप उसको सोचने की कोशिश कर रहे हो, आपकी तो सोच में भी नहीं आएगा क्योंकि है ही नहीं। जी गुरुदेव, खुश कक्षा पास से परेशान करता था। खत्म। एक बात और पूछो गुरुदेव, हमारी बस्ती गांव से अलग है, अभी करीब उसमें 30-35 घर हैं, तो गुरुदेव एक ही दादे परदादे की सब वो वंशज हैं, एक ही दादे की औलाद, मतलब जितनी बस्ती है, तो गुरुदेव उस बस्ती में आज तक कोई बच्चा कामयाब नहीं हुआ, किसी का सरकारी जॉब नहीं लगा, मेरे दो लड़के हैं तो मुझे भी चिंता रहती है ज्यादा, तो ये क्या कुछ। अब आप उस बस्ती के अंदर एक नई बस्ती है, करौली शंकर महादेव धाम के शिष्य की भक्त एक वो बस्ती है, अलग ही बस्ती है ये, हैं? जी गुरुदेव, हाँ एकदम स्वतंत्र है बाप, सब कुछ कर पाएंगे। जो मेरी श्रद्धा माँ बाबा के प्रति और गुरु मंत्र के प्रति है गुरुदेव, जब मैं जब भी मैं जप करूँ, मेरी इच्छा ये है, मेरा हमेशा ध्यान यहाँ पे गुरु के चरणों में, बाबा के चरणों में और शंकर भगवान के चरणों में, हमेशा यहाँ से कहीं भागे नहीं दर दर गुरुदेव। ऐसा ही रहेगा बेटा, ऐसा ही होगा बेटा, ऐसा ही रहेगा, अब ऐसा ही हो गया है, खुश हो, प्रणाम, प्रसन्न हो।